लखीमपुर खीरी में मजदूरी कराने के बहाने दो बहनों से गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। आधा दर्जन आरोपियों ने मजदूरी देने के नाम पर पीड़िताओं को उनकी मौसी के गांव बुलाकर गैंगरेप किया। दोनों बहनों ने सदर कोतवाली में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस अधीक्षक विजय ढुल ने जांच के आदेश दिए। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जाँच कर रही है। 8 बजे घर से 8 बजे चले गए ठेकेदारी में, यहाँ मोहन रहे हैं और काम कहीं नहीं चलो, गन्ना कर खीरा कर बौका नोचे कहीं दीते ही दीते रुपया दिन वे बन गए ठेकेदार, रुपया उधर ही जेब मैया और भाग गए हम का लोगन फोड़ कहते हुआ सवाई दिन भैया क्या हुआ सरदार फिर बलात्कार कर डाली और कपड़ा पड़ा फाट डाली तो हम लोग मांग रहे यहाँ पहले कितने लोग थे 5 लोग। तुम कितने लोग कहाँ गई थी मजदूरी करने? 3 लोग। कौन कौन था तुम्हारे साथ? कौन कौन? ये बहन भी थी तुम्हारी? नहीं, ये दोनों है। अपने गांव के रहने वाले अपने दूर के रिश्ते के नाना और कई अज्ञात व्यक्तियों पर दुष्कर्म संबंधी आरोप लगाए गए। कल दी गई लिखित सूचना और आज दी गई मौखिक सूचना में विरोधाभास पाया गया। आज दी गई मौखिक सूचना के आधार पर जो लिखित तहरीर महिलाओं द्वारा पुलिस को दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। तीनों महिलाओं को पुलिस के द्वारा मेडिकल परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है। मुख्य अभियुक्त जो महिलाओं के गांव का रहने वाला है और दूर के रिश्ते का नाना लगता है उसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। घटना में साक्ष्य के क्रम में जो भी चीजें सामने आएंगी उसके आधार पर अगली विधि कार्रवाई।